इन फ्रेंड वेलकम है फैंटेसी गुरु केडी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आइए हम आज बात करने वाले हैं वाइजूस त्रिपुरा वुमेंस T20 के टूर्नामेंट के बारे में। ये इस टूर्नामेंट का 18वां मैच खेला जाएगा। ये 12:30 पर स्टार्ट हो जाएगा। ये मैच दोपहर में है तो पूरी मैच होने की संभावना है, क्योंकि पहला मैच तो शायद धुंध के कारण शॉर्ट हो जाएगा या कैंसिल हो जाएगा। तो ये मैच काफ़ी अच्छा है हमारे इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए, क्योंकि इसमें देखो ये खेला जाएगा धलाई वॉरियर्स वुमेंस वर्सेस सेफा हेजल स्टार्स वुमेंस के बीच। सेफा हेजल टीम्स 5 में से 1 मैच जीती है, 4 लॉस, जबकि धलाई वॉरियर्स 5 में से 2 विन और 1 जो कि 3 लॉस करके आ रही है। तो आइए चलते हैं इनके प्लेइंग 11 पे और जानते हैं कौन सा प्लेयर हमें स्मॉल लीग ग्रैंड लीग विन करवाने में काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आइए चलते हैं इनके स्कोर कार्ड की तरफ और बैटिंग ऑर्डर किस तरह प्रकार के और किसका परफॉर्मेंस कैसा था और कौन सा प्लेयर पिक करना है, कौन सा प्लेयर को हमें लेना है, किसको छोड़ना है। आइए सारी बातें करते हैं इनके स्कोर कार्ड को देख के। DWR वुमेंस टीम से इसमें जो इम्पोर्टेंट प्लेयर है बात करें, अंबिका देवनाथ 10 रन, उसके बाद देवजानी देव विकेट कीपर सेशन से जो कि 14 रन बनाई और अंबिका 10 रन बना के आई। अंबिका इम्पोर्टेंट है, देवनाथ उतनी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पहले बैटिंग करने आ जाएगी ओपनिंग में, तो ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि स्टंपिंग कैचिंग और बैटिंग के पॉइंट दिलवाएगी। और प्रियंका आचार्य जी जो कि बॉलिंग सेशन में बॉलिंग भी करेगी और बैटिंग भी करेगी, तो ये 3 प्लेयर तो लेके चलना है। उसके बाद रोज़ हिना अख्तर उतनी खासा इफेक्टिव नहीं है, उसके शूटिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। टॉप ये 4 प्लेयर अख्तर छोड़ के इम्पोर्टेंट है, इनको लेके चलना, इवन CVC करके चलना है। आइए इनके बॉलिंग स्पेल में देखते हैं। बॉलिंग स्पेल प्रिया आचार्य जी, ये 9 ओवर का मैच हुआ था और ये इनके टॉप प्लेयर है। प्रिया आचार्य जी 2 ओवर 1 मैच 1 रन और 2 विकेट क्या जबरदस्त की थी। उसके अंकिता पाटीदार उतनी इफेक्टिव नहीं है बट द मेन प्लेयर है, हाई विकेट लेने के चांसेस है। उसके बाद अंबिका देवनाथ ओपनिंग करने आएंगी, टीम के कैप्टन है, 2 ओवर कोई विकेट नहीं। स्वीटी सिंह थर्ड डाउन बाद आएंगी, 1 विकेट। उसके बाद अमीशा मोरा सिंह 1 ओवर। तो ये इनके प्लेयर स्टेटस है और ये इनके इम्पोर्टेंट है प्लेयर है। तो आइए बात कर लेते हैं हम अगली टीम के बारे में, कौन से प्लेयर हमें हेल्पफुल हो ग्रैंड लीग स्मॉल लीग विन करवाने में। सेफा हेजल्स वुमेंस आखिरी मैच अपना लॉस करके आ रही है और सुप्रिया दास विकेट के प्रसेशन से अच्छी हिटिंग लगा सकती है। उसके बाद जुस्मिन कर 20 रन 25 बॉल में, निकिता देवनाथ 1 रन, तो ये इनके। उसके बाद आएगी ए नाथ, उसके बाद एस देवनाथ, एस रॉय, पी चक्रवर्ती, एस पावल, ए देवनाथ और दास और एम देवनाथ, ये इनके बैटिंग ऑर्डर है। इसके अकॉर्डिंग ही ये बैटिंग करने आएंगे। अब इनके बॉलिंग स्पेल देख लेते हैं। बॉलिंग स्पेल में सर्वी रॉय 3 ओवर कोई विकेट नहीं, उसके बाद रोमा दास 2 ओवर कोई विकेट नहीं, उसके बाद नीतिका देवनाथ 4 ओवर 2 विकेट, प्रोमिता चक्रवर्ती 2 ओवर कोई विकेट नहीं, उसके बाद मंदिरा देवनाथ 2 ओवर कोई विकेट नहीं। तो आइए चलते हैं ड्रीम 11 पे और देखते हैं कौन सा प्लेयर हमें किस कंडीशन में पिक करना है और कौन सा प्लेयर हमें छोड़ना है। विकेट कीपर शशिदीप एस दास को पिक करना है क्योंकि अच्छी खासी हिटिंग कर लेती है। उसके बाद इधर से एस राव और
ए देवनाथ अच्छी बैटिंग कर लेती है, उसके बाद एन देवनाथ इम्पोर्टेंट है, इधर से पिक करना है हमें। एस सिंह इम्पोर्टेंट है, इधर से ए नाथ इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और हमें इधर से लेना है ए आचार्य जी, आर दास और पी चक्रवर्ती, ठीक है। ये हमारे हो गए प्लेयर, मेन प्लेयर जो कि सभी की टीम में इक्वल ऐसे ही आएंगे। इधर से अब इधर से जो हमें पॉइंट दिलवाएंगे, सिलेक्शन कम है, बैटिंग अच्छी कर लेती है, इम्पोर्टेंट है, सिलेक्शन कम है, इसे लेके चलना। उसके बाद डी पावल, ठीक है। ये लगभग सबके टीम में ऐसा ही होगा, क्योंकि एस जे की टीम अब अच्छी खासी हिटिंग कर रही है और अच्छी। ये हमारा हो गया फाइनल टीम, नहीं है ये एक्चुअली लगभग से इतने ही प्लेयर लेना है, ठीक है। अब देखो अब करना क्या है, मान लिया जाए एस जे एस हार कर आ रही है तो विनिंग करने के चांसेस ज़्यादा है, इसीलिए इसके प्लेयर मैंने ज़्यादा लिए हैं, मगर ऐसा नहीं करना है, थोड़े से प्लेयर घट कम करना है। कम क्या करना है, प्लेयर कम कौन सा करना है, इधर से हमें जब पहले डी डब्ल्यू आर की टीम बॉलिंग ले तो हमें छोड़ दे रहे हैं चक्रवर्ती को, ठीक है। चक्रवर्ती की जगह हम ले लेंगे, अगर एस वर्मा खेले तो इसे पिक करके चलना है, अच्छा इम्पोर्टेंट प्लेयर है, हम इधर से ले लेंगे पाटरी को। ये इस कंडीशन में ऐसे कर लेना है हमें, क्योंकि एक दो प्लेयर बढ़ाना है, इन पांच प्लेयर से डी आर की टीम। और इधर से हमें क्या कर लेना है, इधर से हमें थोड़ा सा रिक्स ले लेना है। रिक्स क्या लेना है हमें, सेफ हम इसकी जगह ले लेंगे, इसकी जगह पिक कर लेंगे हम एस नमा, ये तो काफ़ी लेट करती है बैटिंग, हम इसकी जगह ले लेंगे डी देव को, क्योंकि ये काफ़ी जल्दी रन आउट वगैरह ऐसी कुछ हो गई थी जिसके कारण इसमें सिलेक्शन कम है, ये इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। कैप्टन वाइस कैप्टन हम कर लेंगे, कैप्टन कर लेंगे हम सीधा जो लोगों का है, ए आचार्य जी इम्पोर्टेंट है, उसके अलावा डी पॉल, ठीक है। ये हमारा होगा बैटिंग जब आएगी तो, ठीक है, बैटिंग में सॉरी बॉलिंग में, ठीक है। बैटिंग में हमें क्या करना है, बैटिंग में हमें हमें करना है इसको कैप्टन, नहीं नहीं ऐसे ही रहने देना, क्योंकि बैटिंग बॉलिंग के लिए दोनों ठीक है। ये हमारा फाइनल टीम नहीं है, डेमो टीम है, फाइनल टीम आफ्टर टेलीग्राम के आफ्टर टॉस के बाद टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन होना बिल्कुल मत भूले, और इसका लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से जाके आप हमारे चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं, हर एक मैच की वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले और ज्वाइन होना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में, आपका दिन शुभ हो।